हाय गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है सरकारी जॉब्स पोर्टल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मेरे पास एक रिसेंटली में नोटिफिकेशन आया हुआ है कैंपस प्लेसमेंट का, और इस कैंपस प्लेसमेंट में मैं आपको बताऊं, हमारे देश की एक जानी मानी कंपनी जिसका नाम शायद आप लोग भी जानते होंगे, सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भाग लेने वाली है। और इसके लिए इन्होंने अपने इस रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया हुआ है कि जिन कैंडिडेट लोगों का ITI कम्प्लीट हो चुका है तो वे इनके इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, मैं आगे चल के बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, ये जो कैंपस है 27 तारीख को लगने वाला है, और वेन्यू का एड्रेस क्या होगा, और कौन कौन से ट्रेड वाले यहाँ पर भाग ले सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एक और बात, अगर आप इसकी जॉब की इन्फॉर्मेशन पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कैंपस में क्या क्या बताया हुआ है नोटिफिकेशन में वो सब मैं आपको बताता हूँ। अब अप्रेंटिस का ये है, मैं आपको शुरुआत में बता दूँ कैंपस सूचना। अब आगे चलें, वर्ष 2018-19-20 में ITI उत्तीर्ण पुरुष छात्रों के लिए, तो पहली चीज़ तो यह है कि यहाँ पर हम पासिंग आउट ईयर के बारे में पहले क्लियर कर दिया गया है, 2018-19 और जो 20 में पास आउट हुए हैं ITI के जो बच्चे लोग, वही लोग यहाँ पर जा सकते हैं, और केवल मेल कैंडिडेट ही यहाँ पर अप्लीकेबल होंगे। के लिए दिनांक 27/7/2021 यानी कि 27 जुलाई को ये कैंपस राज्य की ITI बिजनौर में सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, और इसकी जो जॉब की लोकेशन होगी, ये जो कंपनी के लिए जहां के लिए भर्ती निकाली गई है उसकी जो जॉब की लोकेशन नोएडा में आपको दी जाएगी, के लिए अप्रेंटिस कैंपस का आयोजन किया जा रहा है जिसमें निम्नलिखित ट्रेड के उत्तीर्ण पुरुष छात्रों को सम्मिलित किया जाना है। तो अब ट्रेड कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, और हम सैलरी का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, और जो आप लोग को कंपनी में क्या क्या सुविधाएं भी मिलेगी वो सब भी हम डिटेल से देखेंगे। पहले हम ट्रेड के बारे में देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले में मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, ये तीन ट्रेड हो गए। चौथा है फिटर, ICTSM, और फिर छठवा है RAC, और सातवा है वायरमैन। तो ये मैंने जितने भी ट्रेड के नाम लिए और जितने भी ट्रेड यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं सबकी सब यहाँ पर एलिजिबल होंगे। आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं अच्छे से। उपरोक्त व्यवसायों में उत्तीर्ण अप्रेंटिस करने के इच्छुक छात्र अपने निम्नलिखित अभिलेख मूल रूप में, तथा यानी कि आप लोग को ओरिजिनल भी ले जाने होंगे कैंपस प्लेसमेंट में डॉक्यूमेंट्स, जो जो मैं अभी आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ तीन तीन फोटो प्रति भी आप लोग को साथ में रख लेनी है, यानी कि फोटोकॉपीज के साथ राज्य की ITI बिजनौर में। ये इसका वेन्यू का एड्रेस रहा, और अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा ये कहाँ पर है। मैं स्वयं के व्यय पर, यानी कि आप लोग को जो भी आप जाएंगे उसका व्यय आपको खुद ही वहन करना होगा, वो आप लोग को जो कॉलेज या फिर जो भी है ITI कॉलेज वो आप लोग को नहीं देगा। 27/7 को प्रातः 10 बजे, ये इसका टाइमिंग रहेगा, याद रख लीजिए, 10 बजे के पहले में आप लोग को पहुंच जाना होगा, उपस्थित होना सुनिश्चित करें। कैंपस में चयनित छात्रों को, अब ये इसके हम स्टाइपेंड के बारे में देख लेते हैं, 9,610 रुपये प्रतिमा बांधे प्रदान किया जाएगा। ये हो गई स्टाइपेंड की बात। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो हम देख लेते हैं। हाई स्कूल यानी कि इंटरमीडिएट अंक तालिका व प्रमाण पत्र, दूसरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ITI के उत्तीर्ण अंक तालिका व प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ छठवा है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो ये छः डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो ये सभी की सबको आपको ले जा लेने होंगे। मैं आपको फिर से बता दूँ, ओरिजिनल भी रखना है और साथ ही साथ तीन तीन फ़ोटो प्रति भी रख लेना है। और मैं आपको बताऊँ, साथ में एक और आप बैंक की पासबुक भी रख लीजिए, जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो वो तुरंत भी सबमिट उसे कर सकते हैं। अब आगे चलें, मुकेश कुमार शर्मा, ये वहाँ के प्रधानाचार्य हैं राज्य की ITI बिजनौर, ये इनका यहाँ का है एड्रेस, आप लोग को यहीं पर ही जाना होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।